On polygamy, there will be no crackdown because polygamy is legal as of now, so far as Muslims believers are concerned. So till we amend the law, the polygamy is legal, so you cannot crack it down. But if any Hindu is practicing polygamy, then we can crack down. So, crackdown against the Simon should continue? I think by August, September, you will see another crackdown on the child marriage offenders. पॉलीगेमी का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आपने तेलंगाना में भी था, वहाँ पर भी आपने देखिए पॉलीगेमी का बहुत ही सिंपल उद्देश्य है कि मुस्लिम माँ और बेटी का सम्मान बढ़े. They should not be treated as a second grade citizen of this country. अगर आपका बहन एक ही हस्बैंड को शादी करेगा और आपका भाई एक ही वाइफ को शादी करेगा, तो मुस्लिम लड़का 3-3, 4-4 का शादी क्यों करना चाहिए? वहाँ से भी ये सब मुस्लिम लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आप किसी के धार्मिक विश्वास या धार्मिक विश्वास है ही नहीं. अगर कोई कुरान शरीफ पढ़ता है, हजरत मोहम्मद का जो हमारे समाज के लिए जो शिक्षा है और बहुत ऊपर लेवल का शिक्षा है, उन्होंने बोल के गया इन इस्लाम मोनोगेमी इज ए रूल, पॉलीगेमी इज ए एक्सेप्शन. सो मैं तो रेडी हूँ इस्लामिक स्कॉलर से भी इस विषय में डिबेट करने के लिए. हजरत मोहम्मद जो हमारे पूरा इस्लाम धर्म का एक आप जो समझ सकता है कि ही इज़ एट द टॉप सो फार एज इस्लाम इज कंसर्न. हिज वर्ड्स आर फाइनल. There is no dispute on his word. Whatever he has said, that is considered to be final message of Allah. So he says that monogamy is the rule, polygamy is the exception.